अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त अब आप ठीक ठाक होंगे। तो आज इंशाल्लाह हम भी मदीने पाक की ज़ियारतों के लिए निकलने लगे हैं और ये मेरे छोटे भाई सोनम भाई मेरे साथ हैं। तो हम मिलकर इंशाल्लाह आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करेंगे। तो आपने हमारा व्लॉग स्किप नहीं करना। जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन बख्शा, ये तौफीक बख्शी कि अपने बैतुल्लाह के तवाफ के लिए बुलाया। अल्लाह फरमाता है कि हमें ना तो तुम्हारे हज की जरूरत है ना तुम्हारे उम्रों की जरूरत है, अगर जिसे मैंने पैसा दिया तौफीक दी वो आए मेरी मुलाकात के लिए। हज करना उम्रा करना ये अल्लाह से मुलाकात का दिन होता है और बड़े खुश नसीब इंसान होते हैं वो जिन्हें अल्लाह ताला अपनी मुलाकात का दिन बख्शते। हमारा आज का ये सफर मदीना के मुकद्दस मकामात का सफर है, मदीना की ज़ियारतों का सफर है। वैसे तो मदीना में जिस तरफ नजर उठाई जाए हर एक मुकाम एक ज़ियारत का मुकाम है। बस अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें वो आँख अता कर दे जो देखने के काबिल हो। बड़े ये पुरनूर गलियां हैं जिन गलियों में हर कदम पर अल्लाह ताला ने लाखों नेकियां लिखी और ये खुशकिस्मती है हमारी आज हमें उन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत का मुकद्दस गलियों में चलने का अल्लाह ताला ने ये मौका बख्शा, ये तौफीक दी कि जिन गलियों में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, मेरे करीम आका और सहाबा इकराम इन जगहों से गुजरे और जिन मकामात की हम ज़ियारत करेंगे वो तो सहाबी मकामात जिनकी ज़ियारत मेरे नबी की ज़ियारत इन मकामात ने की, उन मकामात पर मेरे नबी ने क़याम किया, मेरे नबी के सहाबा ने क़याम किया। अपनी साइडों के पर्दे हटा लीजिए, कुछ ज़ियारतें ऐसी हैं जो रस्ते में हैं वो मैं आपको दाएँ और बाएँ करके बताऊँगा क्योंकि वहाँ पर गाड़ी नहीं रोक सकते। तो इसलिए अभी पहली जो ज़ियारत है हमारी आपके उल्टे हाथ पर एक मस्जिद आएगी, आपके उल्टे हाथ पर एक मस्जिद आएगी जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद अबी ज़र ग़फ़ारी। इस मस्जिद को मस्जिद सजदा भी कहा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तवील और लंबा सजदा अदा किया। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी बदर के रास्ते में एक बस्ती आती है, ये वाली मस्जिद है मस्जिद अबू ज़र ग़फ़ारी। ये मस्जिद आपके होटल से बिल्कुल सीधा निकले रोड के ऊपर आए तो ये सामने है, मगरिब के बाद ये ज़्यादा टाइम के लिए खुली होती हैं मस्जिदें। यहाँ पर आएँ और दो रकअत नमाज तहियतुल मस्जिद की अदा करें क्योंकि ये मुकद्दस मकामात हैं जिन जगहों पर मेरे नबी ने क़याम किया है, मेरे नबी ने नमाज अदा की। तो हम इसी मकसद के लिए आए हैं कि ये वो मुकद्दस मकामात जिन पर मेरे नबी ने क़याम किया आज हम भी उस पर क़याम करेंगे और हमारी ये बख्शिश का ज़रिया है जो ज़ियारतें हैं इनका मकसद क्या है इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि हम ज़ियारतें क्यों करते हैं और ये हमारी ज़ियारतें करने का मकसद क्या है, रोज़े मैशर ये हमारी शफात का बाइस कैसे बनेगी। इस मस्जिद को मस्जिद अबी ज़र ग़फ़ारी और मस्जिद सजदा भी कहा जाता है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी बदर के रास्ते में एक बस्ती आती है, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की बस्ती, ये गालिबन दूसरे तीसरे सहाबा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने बिन देखे आप पर ईमान लाए। तो मेरे नबी ने पूछा अबू ज़र ग़फ़ारी जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो रुख किस जानिब करते थे, तो आप फरमाते हैं वो जिस तरफ करवा देता मैं उस तरफ अपना रुख कर लेता था। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी जिनको मेरे नबी से बड़ा प्यार था, आप उनकी तारीख उठाकर देखें कि उनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं तो हज़रत उस्मान गनी जैसे हज़रत उमर बिन ख़ताब जैसे हुक्मरान से लड़ पड़ा करते थे। इतना पैसा इतना माल किस काम का, अभी अपने सीधे हाथ पर देखेंगे ये जो होटल है ख़त्म होगा इसी के बिल्कुल साथ एक मस्जिद है, मस्जिद इमाम बुखारी शरीफ, ये सीधे हाथ पर देखें मस्जिद है मस्जिद इमाम बुखारी। अगर कुरान पाक के बाद बड़ी कोई मसनद किताब है तो बुखारी शरीफ की है और यहाँ पर बुखारी शरीफ का दर्स भी दिया जाता और बाद में बुखारी शरीफ की जो किताब है उसकी तरतीब भी इस मुकाम पर की गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मुकद्दस मकामात के सदके हमारे तमाम से गिरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अभी आपके उल्टे हाथ पर एक मस्जिद आएगी जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद हिजाबा पर्दे वाली। आज ये मेरे नबी की दुआ का सदका है कि हम बड़े गुनाहगार हैं
लेकिन ना तो अल्लाह ताला ने हमारी शक्लें तब्दील की, ना हमें दुनिया में रुसवा किया। मेरे नबी ने इस मुकाम पर तीन दुआएं मांगी, वो तीन दुआएं कौन सी थी? जो पहली उम्मत गुनाह किया करती, सुबह उठते या तो उनके माथों पर लिख दिया जाता या उनकी शक्लें तब्दील हो जाती। ये मेरे नबी की दुआ का सदका है कि आज हम बड़े गुनाहगार हैं लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में रुसवा ना किया। मेरे नबी ने यहाँ पर पहली दुआ की कि मेरे मालिक मेरी उम्मत गुनाह करे, शक्लें तब्दील ना करना, इनका हिसाब पर्दे में रखना। तो मेरे करीम नबी की दुआ का सदका है कि आज हम बड़े गुनाहगार हैं लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में रुसवा ना किया। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो दुनिया में दूसरे के ऐब की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके बड़े ऐब पर पर्दा डालेगा। दूसरी दुआ थी कि मेरी उम्मत में कभी कहत ना आए, भूख ना आए। और आप देखते हैं कि मदीने में बरकतें ही बरकतें हैं। आए एक टाइम का जितना खाना यहाँ जाया होता है कि हमारा पूरा एक जिला एक वक्त का खाना वो खा सकता है। तीसरी दुआ थी कि मेरे मालिक मेरी उम्मत कभी फितने में ना पड़े। जिस दुआ को अल्लाह ताला ने ना तो कबूल किया ना रद्द किया बल्कि अपने पास महफूज कर लिया, उस दुआ का आगाज जहाँ से हुआ वो इंशाल्लाह आगे चल के बताएंगे। आपके सीधे हाथ पर देखिए जन्नतुल बकी का नज़ारा और आका करीम का रोज़े मुबारक। आका करीम की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बकी, जन्नतुल बकी जिसमें कम और बेश 10,000 से ज्यादा सहाबाए किराम आराम वजीर हैं। मेरे नबी के साहबजादे साहबजादियां अजवाजे मोहतरात यहाँ पर आराम वजीर हैं। जन्नतुल बकी का टुकड़ा जिसके बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया रोजे महशर जो उठाए जाएंगे जन्नतुल बकी के साथी वो सबसे पहले मेरे साथ जन्नत में जाएंगे। जन्नतुल बकी का टुकड़ा एक यहूदी की मलकियत थी, यहाँ पर घोड़े बांधा करता। तो एक दिन मेरे नबी ने फरमाया उस्मान जरा इस जगह को तो देख कर आओ। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ लाते हैं और इस जगह को खरीद लेते हैं और जब वापस जाते हैं तो मेरे नबी ने पूछा उस्मान इस जगह को देख आए? तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं देख भी आया मैं खरीद भी आया, ये जो जगह है ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने मेरे नबी को तोहफा तन पेश की। हजरत उस्मान जुनुरैन जुनुरैन का लकब पाया दो नूरों वाला, मेरे नबी की दो साहबजादियाँ उम्मे रुकैया आपकी वफात के बाद उम्मे कल्सूम आपके निकाह में आई, आपको दो दूरों का लकब मिला। अपने सीधे हाथ पर देखिए मस्जिद उस्मान जुनुरैन आएगी थोड़ा सा आगे जाने के बाद, मैं गाड़ी स्लो करवाऊंगा। मस्जिद उस्मान जुनुरैन इसी मुकाम पर अहले मदीना में आपको शर्फ पसंद कुछ ऐसे थे जिन्हें 40 दिन तक नजरें बंद रखा गया। वो उस्मान जब मदीने में दाखिल होते हैं तो मुसलमानों के लिए सबसे पहला कुआं लेकर वफ करने वाले उस्मान इसी मुकाम पर या आपके सीधे हाथ पर जो मस्जिद है इसी मुकाम पर आपको 40 दिन नजरें बंद रखा गया। जब आपको 41वें रोज शहीद किया गया तो आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत के सदके हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। ये वो मुकाम ये घर मुबारक है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। अभी जैसे हमारी गाड़ी सीधे हाथ पर मुड़ेगी अपने उल्टे हाथ पर गली में देखिएगा एक मस्जिद है छोटी सी जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद उमर बिन खत्ताब। वो उमर जिनके बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर जिस गली से गुजरते शैतान अपना रास्ता बदल लेता। ये एक मरले का नहीं बनता आपका घर, 24 लाख मरबा मील पे हुकूमत करने वाले उमर अपना घर एक मरले का भी नहीं रखा। और आज हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी कोठियां हों बंगले हों कारें हों, तो आपने के दौरे हुकूमत में जकात लेने वाला कोई ना था। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल मस्जिद है, मस्जिद है उस उमर। यहाँ पर हजरत बिलाल हबशी खजूरों का ठेला लगाया करते। हजरत बिलाल हबशी उमैया बिन खलफ के गुलाम थे मक्का में। उमैया आपको इतना मारता इतना जुलम करता तपती रेत पर आपको लिटा देता, गर्म पत्थर आपके सीना मुबारक पर रख देता, आप फिर भी आहत आहत की पुकार लगाते, गले में रस्सियां डालकर मदीने की गलियों में घसीटा जाता। तो एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपका गुजर होता है तो आप फरमाते हैं कि बिलाल तू दिल में जिक्र किया कर, तू जोर से जिक्र करता है तो उमैया तुझे पीटता है उमैया तुझे मारता है, तू दिल में जिक्र किया कर। तो आपने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया। तो जब उमैया बिन खलफ अपने साथियों के साथ गुजरता है तो क्या देखता है कि आज बिलाल खामोश है, आज बिलाल पुकार नहीं रहा। तो अपने साथियों से कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं बिलाल की जुबान बंद कर दूंगा। तो आप तड़प उठते हैं बेहोश हो जाते हैं, जब होश में आते हैं तो आप आहत आहत की पुकार लगा देते हैं। तो मेरे करीम नबी ने आपको मारे खाने का जो इश्क का सिला दिया, अल्लाह के हबीब जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो कदमों के चलने की आहट सुनाई दी। तो मेरे करीम नबी ने पूछा जबरील
یا ہمارے علاوہ بھی کوئی عرش مولا پر موجود ہے جس کے قدموں کی آہٹ ہے, تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے غلام بلال ہیں جو چلتے تو مدینے کی گلیوں میں ہیں لیکن ان کے قدموں کی آہٹ عرش مولا تک سنائی دیتی ہے. ماشاءاللہ یہ مسجد قبا جو ہے وہ آ چکی ہے, اس کی شان یہ ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تعمیر فرمایا, اور یہاں پر جا کر پہلے گی اپنی مسجد کے اگر دو نمبر پڑھیں گے تو مقبول عمرے کا ایک ثواب ملے گا. تو ابھی انشاءاللہ ہم چلتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پر نفل ادا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ مدینے آئیں یا مکے آئیں تو زیارت جو ہے نا آپ خود سے کریں, جو گاڑی والے ہیں نا ان کا کام یہ دور دور سے اشارے کر دینا بس, ٹھیک ہے, اپنی زیارت کریں, اپنی ٹیکسی کرائیں, وہ سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی ہاں جی, تو الحمدللہ جی نفل ادا کر لی ہے ہم نے, اب ہم واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں. آج کافی رش ہے, بہت زیادہ رش ہے آج. الحمدللہ ہر نسل کے لوگ یہاں پر آتے ہیں. مسجد جمعہ اور مسجد قبا کے درمیان میں وہ مسجد تھی. منافقین مکہ نے, منافقین مدینہ نے یہ درخت دیکھ لیا اٹھے آپ پر, یہ والا اس درخت کے دامن میں تھی. جب مسجد قبا تعمیر ہوئی تو منافقین نے مسجد تیار کی کہ نعوذ باللہ جب میرے نبی مسجد میں تشریف لائیں گے اس مسجد کو گرا دیں گے, تو میرے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا تھا, جس کا ذکر مسجد زرار کے نام سے قرآن پاک میں موجود ہے. تو یہ آپ کے اٹھے آپ پر جو مسجد ہے یہ مسجد جمعہ ہے, جہاں پر تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا. جب میرے نبی مدینے میں تشریف لائے تو اس مقام پر میرے نبی نے پہلا جمعہ ادا کیا. اسی کے سامنے بالکل وہ مدرسہ ہے جس مدرسے کا نام ہے قصرۃ الاہلیہ. قصرہ کس کا نام تھا؟ میرے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تو ہر کسی کی خواہش تھی کہ میرے نبی اس کے گھر کے مہمان بنے. تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میری قصرہ جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اس کے گھر کا مہمان بنوں گا. اور یہ سعادت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقدر میں آئی, جسے مسجد فتح کہا جاتا ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح. اور اس کی جی جی سلو کرنا بھائی, بالکل سلو کرو, سلو کر لو. یہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے اوپر, یہ مسجد فتح ہے. اس کے ساتھ نیچے کالے پتھروں والی مسجد ہے قبر نما, یہ مسجد سلیمان فارسی ہے جہاں پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خیمہ تھا. اور یہ ساتھ بڑی مسجد ہے جامعۃ الخندق کے نام سے, جہاں پر حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دو خادم تھے ان کا خیمہ مبارک تھا. اسی کے ساتھ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں گے تو آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی, سامنے بالکل دیکھیں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہاں پر حضرت عمر بن خطاب کا خیمہ تھا. اور اپنے الٹے ہاتھ پر پہاڑی کے اوپر دیکھیں گے تو وہاں پر ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی مسجد ہے, جس مسجد کا نام ہے مسجد علی بن ابی طالب, جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا آپ کا خیمہ تھا. یہ مسجد سلیمان فارسی ہے جی, ٹھیک ہے, یہ جامع الخندق ہے. یہاں پر تقریباً جی ہم اس وقت مسجد قبلتین میں آ چکے ہیں, جہاں پر ہم نفل ادا کریں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی زیارت ہوا انشاءاللہ وہ کرائیں گے. یہ جی مسجد قبلتین ہے, یہ قبلہ شریف طرف منہ ہے. سب سے پہلے یہ مسجد اقصا کی طرف اس طرف منہ ہوتا تھا, دیکھیے مسئلہ کا نشان بھی ہے الحمد للہ. پیارے اکیلے سلاف سلام, یہ بالکل کعبہ شریف طرف, یہاں سے جب حکم ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. الحمدللہ جی نوافل ادا کر لیے ہیں, اب انشاءاللہ ہم اپنے گاڑی کے ساتھ جائیں گے. ہاں مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ دو گنبد ہیں, ایک گنبد ہے وہ قبلہ شریف طرف ہے اور ایک مسجد اقصی کی طرف ہے. جو گنبد قبلہ کی طرف ہے اس کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں, جو مسجد اقصی کی طرف ہے کبوتر نہیں بیٹھے ہوئے. الحمدللہ من الرحیم جی, یہ جو آپ باغ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ الحمدللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خرید کر ان کو تحفے میں دیا. یہاں سے کھجور حضرت کے لے کے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو جو ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے احد کا پہاڑ, یہ پیچھے دیکھیں احد کے پہاڑ ہیں, ہم ان کی زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں. تو ابھی ایک چھوٹا سا پہاڑ آئے گا جس کے اوپر صحابہ اکرام تیر اندازی کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اب انشاءاللہ اس کی آپ زیارت کرائیں گے. ہماری آخری جو ہے زیارت وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا مزار مبارک ہے جی جی, اور ساتھ ان کے بہت سے صحابہ کرام یہاں پر مدفون ہیں. یہاں پر ابھی ہم دعا کریں گے.